तो हेलो सर, वेलकम बैक। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज टॉपिक देखो, कुल ऐसे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और भी फिशेज आ चुके हैं। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो मेरे ऊपर ऊपर वाला पैसों का तो मेहरबान नहीं है, लेकिन फिशेज का मेहरबान हो गया। फिशेज भर भर के पीछे आ रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किया था फिशेज को, कोई फिशेज को और इसकी फिशेज को, मैं सर दोनों मिला के एक साथ आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से मैंने पैसा पे करके ऑर्डर दे दिया कि लेके आओ। तो मेरा लेट हो गया। वो फिशेज ला के अपने दुकान पे रखे थे, क्वारंटाइन किए, बहुत दिन रखे। तो बोला कि भाई इतने दिन से आप फिशेस लेके जा रहे हो, बोल रहे हो नहीं लेके जा रहे हो, तो अभी ले लो कैसा भी करके, पर बहुत दिन से हम लोग रख रहे हैं तो ले लो। तो फोर्सली मैं ऐड करने की को कर रहा हूँ। हालांकि मैं सोचा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये चार दिन हो रहा है अभी फीचर्स को ऐड करके। ऊपर का एक दिन में पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, अभी एक दिन काफ़ी है, कल पूरा सेटिंग हो जाएगा उसका। उसके बाद फिशेस को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको, फिर ये फिशेस जो है इसमें ऐड करना है, फिर हम ये स्टैंड निकाल देंगे। निकाल कर ये जो दो टैंक्स हैं, एक नई टैंक जो क्रिस्टल क्लियर टैंक है वो अंदर रखा हुआ मैंने सेफ्टी से, तो वो टैंक और ये टैंक यहाँ पर आ जाएगी, ये दोनों निकल जाएंगे। ये और ये तीन टैंक ही हमारे पास रहेंगे। ऊपर पॉन्ड रहेगा और टर्टल पॉन्ड रहेगा, फिश पॉन्ड रहेगा बस। तो अभी फिशेस आ गई, वो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेके जाओ कुछ भी करो, आप अपने पास रखो। फिशेस भेज दिए, मेरे पास आ गई, बोला कि मैं आप पार्सल भेज रहा हूँ उतार लो। तो मैं क्या करूँ अभी, मैं बोला भाई मेरे पास ऑलरेडी फ़िशेस है, मैं उसको क्वारंटाइन में रखा हुआ हूँ, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बिज़ी हो गया हूँ, इधर उधर थोड़ा विजिटिंग वीडियोस में बिज़ी हो गया हूँ और थोड़ा दूसरे काम में बिज़ी हो गया, जिसकी वजह से मुझे टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जो भी करो फिशेस ले लो, कितने दिन हम लेके रखे हैं अपने टैंक में, अपने दुकान में बहुत सारे लोग कस्टमर्स आते हैं, बोलते हैं मुझे दे दो मुझे दे दो, तो उनको बोल बोल के बस हो गया, तो ले लो। तो कौन सी फिशेस आप देखना चाहते हो अभी, ये ज़्यादा टाइम वे नहीं आए, बेंगलोर से थोड़ा दिन, बेंगलोर से भी यहाँ पर पार्सल आया, बेंगलोर में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास इस तरह पैकिंग करके भेजा है। तो कौन सी फिशेस आप देखना चाहते हो, आप भी मेरी तरह एक्साइटमेंट हो, हालांकि मुझे पता है कौन सी फिशेस है लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह पैकिंग होके आई फिशेस। इसमें दो पॉकेट हैं और इसमें किंग कॉन्ग पैरेट्स हैं और ऑस्कर है। अभी मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि अभी मैं ये इसको कहाँ डालूँगा, मेरे पास जगह नहीं है, वन बाय वन पीछे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली डाला तो ये भी आ गए, मैं कहाँ पर रखूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर का टैंक अभी काम चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टेम्प्रोरी भी अभी मैं इसके ऑस्कर इसी टैंक में डाल रहा हूँ, 3 फीट टैंक में, टेम्प्रोरी पर्पज़ के लिए। आई नो आप बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये टैंक बहुत छोटी हो जाएगी इनके लिए, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है, एक हफ्ते, जैसा कि वन बाय वन स्टॉप काम हो रहा है तो ये भी काम हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिल जाएंगे, सारे टैंक्स सेटअप हो जाएंगे। अब फिर मैं कमेंट बुरा मत कहना कि आप ओवरक्रोड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये 5 फीट टैंक में शिफ्ट होगी, ये पैरेट फिशेस और ये ऑरोना फिशेस 5 फीट टैंक में शिफ्ट होगी, ये वाली पॉन्ड में शिफ्ट होगी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बार यार कितना बार भी समझो, लोग थोड़ा बहुत इसको सीरियस ले लेते हैं, समझते नहीं, इसलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सर कलर थोड़ा फेड होगा क्योंकि अभी ये ट्रांसपोर्ट हुई है ना, तो इसलिए सर कलर डार्क है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट बॉक्स में होने की वजह से ये थोड़ा कलर इसका फेड हुआ है। 4-5 दिन जाएगी तो और कलर अच्छा आ जाएगा। देखिए पैरेट फिशेस है, ये फुल डार्क रेड आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से ये थोड़ा बहुत कलर इसका फेड हुआ है। किंग कॉन्ग पैरेट है, बहुत ही रेयर होते हैं, ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते किंग कॉन्ग पैरेट। नॉर्मल पैरेट आपने देखा होगा वो तो मिल जाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड किंग कॉन्ग पैरेट है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन की होने की वजह से लगभग थोड़ा दिन टाइम इसमें ट्रांसपोर्टेशन में था, बॉक्स के अंदर था, जिसकी वजह से कलर थोड़ा फेड हो रहा है। 4 दिन बाद आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा कलर कितना डार्क होगा, रोजी रेड की तरह हो जाएगा, जिसे ब्लड पैरेट हम लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में फिशेज जो है कलर अपना फेड कर देती है। और इसमें भी है दो पैरेट फिश, किंग कॉन्ग पैरेट फिश और एक ऑस्कर, एक ही ऑस्कर है, हालांकि 5 पैरेट फिश मैंने ऑर्डर किया था, तो उनके पास एक ऑस्कर थी तकरीबन, वो बोल रहे कि मेरे पास 1 साल से ऑस्कर है जो फीमेल है, वो लेके जो आपके लिए मैं देता हूँ तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने वो भी ले लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर रहा है, मैं दिखाऊँगा। किंग कॉन्ग पैरेट 4 हैं और साथ में एक रेड डेविल है, इसे रेड डेविल कहते हैं। 4 किंग कॉन्ग पैरेट लिया था, एक्स्ट्रा डाल दिए ये वाले, उन्होंने कहा था सिर्फ ऑस्कर में एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ करके,
लेकिन पता नहीं उन्होंने एक रेडीवेल भी डाल दिए। अभी सोच रहा हूँ मैं रखूँ या नहीं, देखता हूँ। आप लोग कमेंट करो, बताओ कि इसको रखूँ या वापस दे दूँ। ये पैरेट जो फिशेस अभी डार्क कलर नहीं है, फेड हो चुके हैं, उनका पूरा कलर जा चुका है। लेकिन ये तो स्ट्रेस है, इसलिए 4-5 दिन जाएगा, जब टैंक में सेट हो जाएगी तो एकदम देखिए इस तरह कलर आ जाएगा, इससे डार्क कलर आ गया। सारे जो है किंग कॉन्ग पैरेट है। अभी ऑस्कर लेकर आया, अभी एक ऑस्कर में लेके आऊँगा मेल। ये तो फीमेल है, उन्होंने कहा कि ये कन्फर्म फीमेल है, उनके पास तकरीबन 1 साल से है और मुझे दे दिए। वो बोला इतनी छोटी थी, मैं जब से पाल रहा हूँ उसको, अपनी पर्सनल थी तो मैं आपको दे रहा हूँ, रख लो। तो फीमेल है, इसके साथ एक मेल ऐड करूँगा, मतलब 2 ऑस्कर, 4 पैरेट फिश और 1 अरोवाना इस टैंक में डालूँगा। इस टैंक में जो आरो इस फिशेस हैं कोई, वो पॉन्ड में शिफ्ट कर दूँगा। तो आपको कैसी लगी ये फिशेस के बारे में, जो भी ज़रूर है मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अभी हम लोग थोड़ा इसको एक्वेरियम साल डाल देते हैं ताकि ये स्ट्रेस फ्री हो जाए। बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं जब भी फिशेस लेके आता हूँ तो स्ट्रेस हील थोड़ा या एक्वेरियम साल डाल देता हूँ ताकि ये स्ट्रेस से फ्री हो जाए। अगर आपके पास स्ट्रेस हील लिक्विड है तो वो भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा खास नहीं है। अभी मेरे ऊपर माइंड से प्रेशर आ गया है, मेरे ऊपर ऐसा बोझ जैसा हो गया मुझे, क्योंकि इसका भी काम करना है, इसका भी काम करना है, और टाइम भी नहीं है मुझे, और मुझे दूसरे काम भी हैं, तो बहुत ही काम, एक आदमी से इतना सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जुगाड़ू काम। देखिए एक्वेरियम सेल डालने से क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया थोड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होने से तो डालना ही है, थोड़ा बहुत ये ज़रूरी है। वरना आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालो, स्ट्रेस लिक्विड है तो वही डाल दो। मेरे पास स्ट्रेस लिक्विड अभी खाली हो चुकी है। हाँ वो भी है मेरे पास शायद, हाँ मेरे पास है, जो मैंने लिया था डी स्ट्रेस ओजेट पॉलिश का, वो थोड़ा डाल देता हूँ ताकि स्ट्रेस थोड़ा है तो ये फ्री हो जाए, वरना बाद में कलर नहीं दिखाएंगे ये। तो मैंने डाल दिया इसको, तो बस इतना ही है। अभी हम लाइट ऑफ़ कर देते हैं ताकि जब भी आप फिशेस डालते हो, स्ट्रेस अपनी नई फिशेस को इंट्रोड्यूस करते हो, तो ज़रूरी है कि आप लाइट को ऑफ़ कर दो ताकि ये थोड़ा टाइम लगेगा। और हेडिंग प्लेस भी ज़रूरी है, लेकिन अभी हेडिंग प्लेस में नहीं है क्योंकि ये बेरबेडम टैंक है, सिर्फ आरोना के लिए थी। तो अभी इसमें हेडिंग प्लेस में डालने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही छोड़ दूंगा 1-4-5 दिन के लिए। जब इसमें शिफ्ट करूंगा उसमें हेडिंग प्लेस हम ऐड करेंगे। तो अभी ये इसको लाइट ऑफ कर देते हैं। अभी इसका कलर अभी मैं आपको करीब से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये इतना मज़ा नहीं आएगा अभी देखने के लिए। 4-5 दिन बाद जब ये कलर अपना ओरिजिनल कलर दिखाएगी, उस टाइम में आपको मैं दिखाऊँगा, जब आपको देखने के लिए मज़ा आएगा इसका कलर किस तरह डार्क फेड डार्क कलर आएगा, और आप देखने के लिए भी अच्छा लगेगा। और ये प्रॉपर टैंकमेट्स हैं आरोना के, ऑस्कर भी रख सकते हो आप, और ये पैरेट फिश भी रख सकते हो। रेड डेविल थोड़ा बहुत मुझे ऑप्शनल लगता है, कभी कभी समटाइम अग्रेसिव समटाइम पीसफुल होती है, तो ये परफेक्ट टैंकमेट्स हैं आरोना के लिए। अभी इनके लिए छोटी टैंक है, फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा 4-5 दिन के लिए। अभी फ़िलहाल अभी रख देता हूँ, अभी लाइट ऑफ करे तो अभी नाइट का टाइम है। अभी मेरे पास नाइट में ही फिशेस आई तो मैं डाल दिया इसको। कल परसों में 3-4 दिन बाद ये जब अपना कलर फुल दिखाएगी उस टाइम मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज का टॉपिक यही है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं फिशेस को। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में और थोड़े टॉपिक लेके आऊँगा इनके ऊपर, ये किस तरह अपडेट्स इनके ऊपर आते रहेंगे, और ऊपर का पॉन्ड का भी काम आपको अपडेट दूंगा, और उसके बाद 5 फीट टैंक का भी अपडेट दूंगा। उसके बाद हम लोग ये टैंक को इधर रखेंगे, ये दोनों टैंक को निकाल दूंगा। अभी और एक लास्ट में बात, अभी फ्लावर हन तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता, ये टैंक के अंदर, क्योंकि फ्लावर हन अगर इनके साथ डालूंगा तो ये लड़ाई करेंगे आपस में, ऑस्कर उसको लड़ाई करेगी या ऑस्कर उसको मारेगी। तो मुझे सजेशन दो आप, मैं फ्लावर हन रखूँ या ना रखूँ, मेरे पास तो जगह नहीं है। फिर भी आप लोगों का ओपिनियन, आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूबर सब फैमिली हम लोग हैं, आपस में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना क्या कहना है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरे पास भी इतने टैंक्स हो गए हैं तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, सारे एक साथ नहीं रह सकता। मैं दुकान नहीं खोल रहा हूँ, घर पे रख रहा हूँ, इतने सारे टैंक्स रखूँगा तो मेंटेन करना भी मुश्किल है, कोई आएगा तो भी बोलेगा कि आप सेल कर रहे हो क्या करके। इसलिए कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि मैं फ्लावर हन को रखूँ या ना रखूँ। हालांकि मेरा दिल में, मैं अब लेके आया था तकरीबन ये 6 महीने चुके, मैं सोचता हूँ कि इन फीचर्स को अपने पास रखूँ, लेकिन जगह ही नहीं है, टैंक्स नहीं है, कहाँ रखूँ। सोच रहा हूँ जो ये इधर टेबल रखता हूँ इसके नीचे कुछ बना के रखूँ, जो भी, बस सिंपली मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी परफेक्ट मेरा इरादा नहीं है निकालने का, लेकिन आप लोगों से थोड़ा बहुत सजेशन या फीडबैक ले रहा हूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।